हेलो नमस्कार, मैं सचिन आपका स्वागत करता हूं आज की नई और शानदार वीडियो में। तुम तो किसान भाइयों सारी समस्याओं का समाधान लेके आ गए हैं, पेश कर रहे हैं जॉन डियर 5405। एक जबरदस्त ट्रैक्टर है किसान साथियों, बात करेंगे इसके लुक्स के, इतनी सी भी जानकारी चुपने नहीं देंगे, रेट से लेके पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं ये जॉन डियर आपको बहुत ही शानदार लुक में पेश किया गया है। देख सकते हैं फुली इसकी जो लाइट की अगर हम बात करें, ये LED लाइट है, दिखने में आपको लग रहा होगा कि यहाँ शीशा है लेकिन ये अंदर है। और देखिए कितनी जबरदस्त लाइट है, इसे मैं आपको जलवा के भी दिखाऊंगा। इसका लुक देख सकते हैं आप, इसकी बैटरी अंदर की तरफ है। ये जाली इसलिए दी गई है कि आप थ्रेसर जैसे इम्प्लीमेंट पे कचरा थोड़ा सा भी अंदर इसके नहीं जाता है। तो ये देखिए, और जो जॉन डियर ने ये इसका जो लुक है ये बदल के दिया है, पावर स्टेयरिंग 4x4। तो चलिए आइए मैं आपको आगे की तरफ दिखा देता हूँ, क्या शानदार लुक है इसका। इस ट्रैक्टर का लुक पहले देख लीजिए, इसकी मैं आपको जानकारी पूरी की पूरी जानकारी अभी हम आपको दिखाने वाले हैं। इसे अगर आप ट्रैक्टर को घर रखते हैं, आप सोचते होंगे कि हमारा जो बच्चा है कभी इसमें हाथ ना डाल दे, तो इस तरीके की समस्या पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। देख सकते हैं कहीं भी आप इसमें हाथ नहीं दे सकते हैं, अंदर से पूरा जो पैक है और ज़बरदस्त ट्रैक्टर है। किसान भाइयों ये देख सकते हैं कितना बड़ा प्लेटफॉर्म इसका दिया गया है। ये प्लेटफॉर्म देख सकते हैं आराम से हीटिंग मुक्त है, प्लेटफॉर्म देख सकते हैं आप कितना बड़ा है, आराम से आ जा सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप यहाँ से पैर रख के आप यहाँ से पकड़ सकते हैं इसे, और दूसरा इसे यहाँ से पकड़ सकते हैं, यहाँ से करके चल सकते हैं आप इसे। तो आपको किसी भी तरीके की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। बहुत बड़ा ट्रैक्टर है, दमदार ट्रैक्टर है जॉन डियर। सबसे अच्छी बात इसकी ये है, ये बिल्कुल साइलेंट ट्रैक्टर है, इतनी सी भी आवाज़ नहीं करता है। किसान भाइयों मैं आपको इसको स्टार्ट करके भी दिखाऊंगा और पूरी जानकारी आप आपको दूंगा। तो देख सकते हैं किसान भाइयों ये हमने न्यूट्रल कर दिया है, और इसकी जो चाबी है ये इसकी की है, ये चाबी से ही ऑन होता है और चाबी से ही ये ऑफ होता है। तो आप देख सकते हैं किसान भाई ये जो ट्रैक्टर की आवाज है, आप देख सकते हैं कितनी आवाज ये कर रहा है। किसान भाइयों इसकी लाइट देख सकते हैं आप आगे की तरफ, इसकी लाइट साइलेंट ट्रैक्टर है, किसी भी तरीके की दिक्कत आपको प्रदान नहीं होती है, बिल्कुल डिजिटल डैशबोर्ड है इसका, हर तरीके से सारी समस्याओं का समाधान है। 12 वोल्ट का चार्जर है। तो अधिक जानकारी के लिए हम इसके जो कस्टमर जो इसके अर्सिस प्राइस एंटरप्राइज के जो अधिक जानकारी के लिए जो अर्सिस प्राइस ट्रैक्टर की जानकारी हम दिलाने वाले हैं ट्रैक्टर के शोरूम के जो कार्यकर्ता है, तो चलिए हम उनसे बातचीत करेंगे। देख सकते हैं ये इसका बोनेट है और ये बहुत ही आसानी से खुल जाता है, इसमें जैक दी गई है और ये देख सकते हैं ये हमने छोड़ दिया है, और ये इसमें केबिल लगाया गया है कि ये ज़्यादा ऊपर ना जाए और बहुत ही आसानी से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों बैटरी अंदर की तरफ दी गई है, चोरी के डर से आपको मुक्ति दिलाती है। कई बार किसान शिकायत करता है कि ट्रैक्टर में बैटरी बाहर होने के कारण चोरी हो जाती है, लेकिन जॉन डियर आपको दे रहा है बैटरी अंदर की तरफ जो आपको चोरी के डर से मुक्त दिलाती है। तो देख सकते हैं किसान भाइयों इस ट्रैक्टर में और ट्रैक्टरों से ज़्यादा खासियत है। उसकी खासियत की बात करें तो हम इसके अर्सिस प्राइस
एंटर का जो शोरूम के जो कार्यकर्ता है उनसे बातचीत करेंगे। तो सर जी नमस्कार, क्या नाम है सर जी आपका? मेरा नाम शोभित है भैया। तो शोभित जी, जैसे कि मैं ट्रैक्टर देख पा रहा हूँ, तो इस ट्रैक्टर की सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एलईडी की। तो इसकी एलईडी की जो किसान भाइयों को खूबी बताओ, क्या खूबी है इसकी? सर ऐसा है, नॉर्मल जो लाइटें होती हैं ट्रैक्टर में वो थोड़ा कम रोशनी फेंकती है। इसमें क्या है, अपना एलईडी प्रोजेक्टर दिए हुए हैं दोनों कंपनी ने, लाइट ज़्यादा है और काफ़ी दूर तक रोशनी रहती है, तो किसान को रात में आसानी रहती है। अच्छा, तो इसका जो प्रोजेक्ट है वो इस तरीके से बताया, सोबित जी ने बताया कि लंबी रोशनी के लिए रात के समय में बहुत ही ज़बरदस्त रोशनी ये देता है। तो अगर हम इसके बोनेट को खोल के दिखाते हैं और इसकी जो खूबी की बात करेंगे, हम यहीं से देख सकते हैं इसका लुक कितना ज़बरदस्त है। लाइटों की लुक भी बनती है दोनों तरफ, क्रोम दी हुई है, काफ़ी अच्छे लगते हैं। चलिए ये देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़बरदस्त है। सामने से देखने में शीशा लग रहा होगा, लेकिन यहाँ अंदर बिल्कुल एलईडी है ये दोनों। किसान भाइयों, आपको ये डोंडियर का लुक कितना ज़बरदस्त दिखाई पड़ रहा होगा। अगर हम इसकी ग्रिप की बात करें, ये थ्रेसर जैसे इम्प्लीमेंट पे थोड़ा सा भी कचरा अंदर नहीं जाने देता। और ये देखिए, ये बिल्कुल इस तरीके से है जो इसकी शार्क में बना हुआ है, ये जो कि इसकी सुंदरता को चार चांद लगा देता है। तो हम इसका बोनट खोलते हैं और किस तरीके का इसका अंदर है आपको दिखाएंगे। तो थोड़ा इसकी जानकारी दो आप। सर अपना जो इंजन है ये 2900 सीसी इंजन है सर, CIRT इंजन है ये, 3 सिलेंडर। और सर इसके अंदर जो अपना सिस्टम है, EGR सिस्टम लगा हुआ है, DOC फिल्टर लगा हुआ है, और अदर जो नॉर्मल ट्रैक्टर हैं उनसे थोड़ा हटके इंजन है ये। जरा बताइए किसान भाइयों को इसका क्या काम है और ट्रैक्टरों से इसमें क्या बदलाव है, क्या डिफरेंट है? सर इसका जो इंजन है वो ट्रैक्टर से पूरा अलग है, ये CIRT इंजन है सर अपना जी। 2900 CC इंजन है सर, 6300 HP का इंजन है इसके अंदर, 3 सिलेंडर। अगर सचिन बात करें, ये बैटरी कौन सी कंपनी की है? ये सर इसमें एक्साइड की बैटरी दे रही है जॉन डियर 100 एम्पीयर की। अच्छा जी, तो देख सकते हैं सर जी, मैंने ट्रैक्टर बहुत देखे हैं, मेरा काम ट्रैक्टरों का रिव्यू है। कैमरामैन जरा इधर आए और दिखाएं ये क्या चीज़ है, और शोभित जी बताएं कि सर ये डीजल कूलर है सर, ये जो टंकी से अपना डीजल आता है इंजन के अंदर घूम के वापस जी टंकी में ठंडा जाता है सर जी। आगे बढ़ते हैं, तो सर जी इसका क्या काम है और क्या 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 कहते हैं इसे? ये सर ऑयल कूलर है जी, इसका कार्य क्या है? ये जो सर अपने ट्रैक्टर में ऑयल घूमता है, पिछले हिस्से का जो सीएल होता है वो घूमता है वापस, उसको ठंडा करने का काम है इसका। अच्छा हाँ, जो अंदर जाएगा वो वापस ठंडा होके जाएगा जी, जी। तो हम आगे बढ़ते हैं और इस तरफ दिखाएंगे हम आपको। तो सर जी कैमरामैन हमारे इधर आए और दिखाएं किसान भाइयों को ये क्या चीज़ है, इसका काम क्या है? सर हैड पंप है, जैसे हमारा ट्रैक्टर डीजल खत्म हो गया और हवा बन गई है, तो इसको ऐसे हम प्रेस करेंगे जी, तो जो अपनी हवा है वो बाहर आ जाएगी, निकल जाएगी, ट्रैक्टर आपका आसानी से स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा जी, तो देख सकते हैं इसमें ये ग्रिप दी गई है और ट्रैक्टरों में नहीं सर, इसको फिंगर गार्ड बोलते हैं अपन जी, जो अपना हाथ चला जाता है अंदर, आपने देखा हो काफ़ी बार, तो ये फिंगर गार्ड है, इससे जो हाथ बचत है काफ़ी हाथों की। जब इसका बोनट बंद हो जाता है किसान भाई हो, तो आपका बच्चा भी इसमें मतलब उंगली वगैरह नहीं दे सकता, पूरा पूरी तरीके से बंद है जी 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 जी। आगे बढ़ते हैं और देख सकते हैं सर जी इसके प्लेट हीटिंग गार्ड है सर ये, इसका क्या कार्य होता है? इसका कार्य ये है सर, देखिए हम जब ट्रैक्टर चलाते हैं तो इंजन तेज होता है और इसकी हवा है वो पीछे जाती है, किसान के पैरों पर लगती है, इससे जो हवा है वो इससे लग के निकल जाती है साइड से और पैर जो है आपके बचे रहते हैं। ये हीटर गार्ड इसमें दिया गया जी। अगर सोभित जी हम बात करें इसके जो प्लेटफॉर्म की जी जी, वो काफ़ी अच्छा है, आप देखिए सर कितना स्पेस है प्लेटफॉर्म में, बैठे इसकी। और अगर हम इसकी सीट की बात करें, फुली एडजस्टेबल है जी, ऊपर नीचे आगे पीछे एडजस्टेबल। अगर हम गियर की बात करें, कितने गियर दिए गए हैं इसमें? ABCD गियर बॉक्स है सर, गियर बॉक्स। अच्छा जी, तो देख सकते हैं आप किसान भाइयों, अगर हम बात करें आप हमारे कैमरा मैन उधर आए जरा आप, देख सकते हैं किसान भाइयों, तो ये देख सकते हैं किसान भाई पूरा डिजिटल डैशबोर्ड है। तो सर जी इसका क्या काम है? जी सर इकोनॉमी और स्टैंडर्ड है जी, तो खेत में चलाना है अपने को जी, स्टैंडर्ड में चलाना है, और अगर आप रोड पर चल रहे हैं तो डीजल की खपत कम करने के लिए आप इकोनॉमी में चला सकते हैं इसको। अगर आप रोड पर चल रहे हैं जी जी, तो इकोनॉमिक में हाँ, और आप खेत में चल रहे हैं तो इसको स्टैंडर्ड में चलाइए। तो इसमें तेल कम खाएगा ये? जी इसमें तेल कम खाएगा आपका। अच्छा, तो देख सकते हैं। और सर जी अगर हम इसके गियर की बात करें, तो कितनी संख्या में है? ABCD सर इधर है और 1, 2, 3 उधर है जी, 4+3 का गियर बॉक्स है सर इसमें। अगर हम इसकी 8 फॉरवर्ड 4 रिवर्स,
अगर इसकी हम बात करें, ये देखिए न्यूट्रल हो चुका है जी। तो अगर हम इसे स्टार्ट कर देते हैं तो इसकी जो अगर हमें बंद करना होगा कैसे करेंगे? देख सकते हैं किसान भाइयों, इस ट्रैक्टर में इतनी खूबी है कि आप ट्रैक्टर देख सकते हैं चल रहा है, लेकिन इसकी आवाज़ आप सुन पा रहे हैं कितनी सी आवाज़ है, लेकिन जब ट्रैक्टर अनदर ट्रैक्टर और कंपनी का ट्रैक्टर स्टार्ट होता है तो दमका घुट जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, बहुत ही साइलेंट है, पता नहीं लगता कि ट्रैक्टर आपका स्टार्ट है। देख सकते हैं किसान भाइयों, अगर हम देखिए फुल्ली एडजस्टेबल है, तो इसकी सीट है, काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है। किसान भाइयों आप देख सकते हैं, आप इस पर अपना हाथ रख सकते हैं, अगर आप लंबे समय कार्य करते हैं तो आप इस पर अपना हाथ भी रख सकते हैं। ये देखिए थकावट इतनी ही महसूस नहीं होती। अब हम पीछे की तरफ चलते हैं, तो सर जी अगर हम इसके डीजल टैंक की बात करें, और ट्रैक्टरों में जो डीजल टैंक होता है वो आगे की तरफ होता है, लेकिन इसमें यहाँ पे दिया गया है। सर पीछे देने के भी रीजन है, जो अपना जो मतलब इंजन होता है ना, टंकी जो इंजन के ऊपर होती है उसमें भाप बनती है, मेंटेनेंस बनता है इंजन में, इसकी टैंक पीछे स्पेस भी बचता है, और जो इंजन को डीजल चाहिए वो ठंडा मिलता है। तो कितने लीटर का डीजल टैंक देख सकते हैं, कितना भी फालतू आ जाता है, 70 लीटर का जिसमें डीजल टैंक है। ये इसमें एक पॉइंट दिया गया है, फ्लूड है, इससे पता लग जाता है आपके जो टैंक में कितना डे बचा हुआ है। तो सर जी कितने आरपीएम पे चक्कर बनाता है ये? सर 1600 आरपीएम 540 चक्कर, 1600 आरपीएम पे 540 चक्कर बनाता है। किसान साथियों अगर हम इसकी हाइड्रोलिक की बात करें तो बिजली तो 20 क्विंटल की हाइड्रोलिक है इसकी। ये देख सकते हैं इसकी जो बनावट है कुछ इस तरीके की है। तो सर जी इन्हें क्या बोलते हैं और क्या काम है? ये सर एक्सिल वाल्व बोलते हैं इनको, और इनका अलग अलग काम है जी, एक तेल देता है एक वापस लेता है जी, इसमें कंप्यूटर मांझा चलाना हो या ट्रोला वगैरह चलाना हो जी, तो उठाते हैं तो उसके लिए है। कंप्यूटर मांझा और जैसे डंपर वगैरह चलाते हैं आप तो उनके उसमें प्रयोग किया जाता है, और इन्होंने बताया पीटीओ में चला सकते हैं आप। इसकी ये लाइट दी गई है किसान भाइयों, ये इधर एलईडी लाइट दी गई है जो रात के समय में, ये नंबर प्लेट लाइट है, ये नंबर प्लेट लाइट है, और यहाँ नंबर प्लेट लग जाती है, और ट्रैक्टरों में तरीके की सुविधा नहीं है। यहाँ देख सकते हैं किसान भाइयों आप, ये बैठने के लिए दिया गया है, आप इसमें बहुत ही आसान आराम से बैठ सकते हैं। आपको ये किसी भी तरीके की मतलब फैमिली के साथ जा रहे हैं तो गद्दी वगैरह में आप गिर जाते हैं। ये देखिए ये डुअल क्लिच में है सर जी, डुअल क्लिच है वैसे इसके, डबल क्लिच, ये ब्रेक है इसके जो डबल क्लिच है, क्लिच इस तरीके का है, इसके बच्चे भी आसानी से दबा सकते हैं। तो सर जी चलिए आ जाते हैं इसके टायर पे, अगर हम इसके टायर की बात करें क्या साइज है इसके टायर का? तो सर 11/2/24 का अगला टायर है, और 16/9/30 का पिछला टायर है। ये कौन सी कंपनी है? MRF टायर है, MRF का। किसान भाइयों MRF का टायर दिया गया है, ये देखिए 11/2/28 का टायर है, 4x4 ट्रैक्टर है, पावर स्टेयरिंग है, सारी समस्याओं का समाधान आपका ये ट्रैक्टर कर देता है। आइए हम बात करते हैं इसके पिछले टायर, तो देख सकते हैं 16/9/30 का टायर है, काफ़ी बड़ा टायर है, दमदार ट्रैक्टर है एकदम, और ज़बरदस्त ट्रैक्टरों में से एक आपके सामने पेश किया है जॉन डियर। तो सर जी देख सकते हैं पावर टच गियर प्रो ये ट्रैक्टर आपको दे रहा है, और अगर हम अब बात करने वाले किसान भाइयों इसकी कीमत की, इसकी कीमत क्या है, और तो सर जी जैसे और ट्रैक्टर है और ये ट्रैक्टर है, इसमें इसकी अगर हम ताकत की बात करें तो इसकी दम की बात करें, ऐसा क्या है कि किसान आपसे आगे ये जॉन डियर ट्रैक्टर ले? देखिए सर पहली बात इसके अंदर फीचर्स ज़्यादा हैं जी, और कीमत भी बढ़ गई है जी, पॉल्यूशन वगैरह के लिए जी बहुत कम है, ये पॉल्यूशन बहुत कम फेंकता है जी, और जो इसकी सुंदरता है, इंजन है, पावर कंपनी ने बढ़ाई है, तो उसकी कीमत भी बढ़ाई है जी। अगर हम सब्जी इसकी कीमत की बात करें, इसकी कीमत देखिए सर जो अभी फिलहाल में है 13,90,000 रुपये है जी, 13,90,000 एक्सो रूम है इसकी कीमत जी, और क्योंकि इसकी कीमत बढ़ाई गई है, और इसका लुक देख सकते हैं ज़बरदस्त लुक है इसका, जो क्लीयरेंस अगर हम बात करें ये देख सकते हैं आप, इतना क्लीयरेंस दिया गया है कि गड्ढे वगैरह में ये कहीं भी टच नहीं होता है, और ज़बरदस्त ट्रैक्टर है, लोड पे भी हर तरीके से दमदार इंजन के साथ आपके सामने जॉन डियर पेश करा है।
जॉन डियर 5405 एक बहुत ही शानदार लुक में और साइलेंट ट्रैक्टर है। जब आप टोचन वगैरह अगर आप देखते होंगे तो मैं आपसे बता दूं, मैंने जॉन डियर ट्रैक्टरों के जो दम हैं वो टोचन में देखे हैं। अगर आप जॉन डियर ट्रैक्टर के दम देखना चाहते हैं तो हमारे जो चैनल है उस पर विजिट करें और जॉन डियर की टोचन भी देख सकते हैं आप, इनके दम भी देख सकते हैं। तो एक नए दम के साथ, नए इंजन के साथ, नए लुक के साथ पेश कर रहे हैं आपके सामने जॉन डियर 5405, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रैक्टरों में से, और बहुत सारी जो आपको फैसिलिटी जॉन डियर दे रहा है। और अधिक जानकारी के लिए आप एंटर अर्सी प्राइस पे आ सकते हैं, ये मोदीपुरम में है और इसकी जो कीमत है हमने आपको बता दी है। अधिक जानकारी के लिए आप जो नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उस पर बात कर सकते हैं, और जॉन डियर के अलग अलग कंपनी के ट्रैक्टर के लिए भी आप यहाँ आ सकते हैं। हमें आपकी मदद करते हुए बेहद खुशी होती है। हम विदा लेते हैं।